नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टैंडर्ड 3, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 11, इंडियन म्यूजिक, पार्ट 6। सो लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने तानागिरी की स्टोरी सुनी थी, राइट? उसके बाद उसके ट्रू फॉल्स हमें टेक्स्ट बुक में दिए गए थे, वो एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व की थी। सो इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू विथ अवर चैप्टर एक्टिविटी 10A, रीड द पोयम। हमें यहाँ पे एक पोयम दी गई है, अ पाइपर। पाइपर यानी बांसुरी वाला, जो बांसुरी बजाता है। यस, वो स्यूमास ऑफ स्यूलिवन, यानी कि ये पाइपर जो पोयम दी गई है वो स्यूमास और सुलिवान ने लिखी है। यस, तो चलो अब हम ये पोयम को अच्छी तरह से रीड करते हैं और समझते हैं। अ पाइपर इन द स्ट्रीट टुडे सेट अप एंड ट्यून एंड स्टार्टेड टू प्ले। पाइपर यानी बांसुरी वाला आज हमारी स्ट्रीट यानी आप सबको पता है, यस, हमारी शेरी में आया है, राइट? सेटअप एंड ट्यून, उसने बांसुरी निकाली और अपनी ट्यून सेट की। आप सबको पता होगा बांसुरी सीधे मुंह में डाल के बजाते तो नहीं है, राइट? पहले उसकी ट्यून सेटअप करते हैं, फिर वो ऐसे ऐसे हाथ रखते हैं बांसुरी पे, राइट? उसके बाद उसको बजाना स्टार्ट करते हैं। तो बांसुरी वाला आया, उसकी ट्यून सेटअप की और फिर स्टार्टेड टू प्ले, यानी कि बजाना शुरू किया। इन अवे 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 ऑन द टाइड ऑफ हिज म्यूजिक वी स्टार्टेड ऑन एवरी साइड। ऑफ हिज म्यूजिक वी स्टार्टेड, जैसे ही उसने म्यूजिक स्टार्ट किया, हवा के झोंकों के साथ उसका म्यूजिक अवे 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 यानी कि दूर दूर तक सबको सुनाई दे रहा था। ऑफ ऑन एवरी साइड, हर एक जगह पे हवा के साथ उसका म्यूजिक भी सबको सुनाई दे रहा था। डोर्स एंड विंडोज वेर ओपन वाइड एंड मैन लेफ्ट देयर वर्क एंड केम। डोर्स एंड विंडोज, जैसे ही उसकी आवाज सुनाई दी, सबने अपने अपने डोर्स और विंडोज ओपन कर दिए। वाइड यानी लार्ज, हमें से पूरी विंडो ओपन करते हैं ना, यस, सब अपने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल के देखने लगे कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। एंड मैन लेफ्ट देयर वर्क एंड कम, जो आदमी थे सारे, जो मैन थे, वो अपने अपने वर्क को छोड़ के सारे इस बांसुरी वाले को सुनने के लिए चले आए। एंड वुमन विथ पेटिकोट्स कलर्ड लाइक फ्लेम एंड लिटल बार फिट दैट वेर ब्लू विथ कोल्ड वेंट डांसिंग बैक टू द एज ऑफ गोल्ड। और जो आदमी थे वो अपने काम छोड़कर आ गए, ऐसे ही जो औरतें थी, जो वुमन्स है, विथ पेटिकोट कलर्स लाइक फ्लेम, फ्लेम यानी अग्नि, ज्वाला, यस, उनके कलर कौन कौन से होते हैं, लाइक रेड, ऑरेंज एंड येलो, तो इन कलर के वो पेटिकोट्स पहन के वो भी इस बांसुरी वाले को सुनने के लिए आ गए। व्हेन डांसिंग बैक टू द एज ऑफ गोल्ड, सारे उसको ऐसे सुनते थे, एज ऑफ गोल्ड यानी गोल्ड, यहाँ पे हम एक सोने की चेन या सोने की अंगूठी उसका ये मतलब नहीं करेंगे, लेकिन एज ऑफ गोल्ड, जो पुराने जमाने में फैमिली के साथ रहते थे, अपने बच्चों को टाइम देते थे, पूरी फैमिली एक साथ टाइम स्पेंड करती थी, ऐसे ही बांसुरी वाला आया तो बच्चे भी दौड़ने लगे, वुमन्स भी दौड़ने लगी और मैन यानी कि आदमी भी अपना काम छोड़कर घर के बाहर चला गया उस बांसुरी वाले को सुनने के लिए। जो ठंड की वजह से उसके पांव ऐसे ही बांसुरी वाले को सुना उन्होंने, तो नंगे पांव ही बाहर दौड़ने लगे, यस, तो
ठंड की वजह से उसके पांव ब्लू हो गए हैं। When dancing back to the edge of goal, फिर से बच्चे बूढ़े औरतें आदमी सारे अपनी एज को भूलकर बांसुरी वाला जो बांसुरी बजा रहा था उसकी ताल से ताल मिलाकर डांस करने लगे। And all the world went grey, went gay for half an hour in the street today. आज एक सड़क पर आधे घंटे के लिए सारे इतनी अच्छी तरह से डांस कर रहे थे, यानी कि पूरा वर्ल्ड ग्रे, ग्रे यानी बुखरा हो गया था और के यानी कि आनंद में आ गया था। सब अपनी अपनी मौज में घूम रहे थे, अपना अपना काम छोड़कर जो वर्क कर रहे थे वो आधा छोड़कर सारे लोग स्टिक पे जमा हो गए और बांसुरी वाली की ट्यून पे नाचने लगे थे। यस, तो आपने भी कभी ऐसा देखा होगा, हमारी स्ट्रीट में भी बांसुरी वाला आता है तो हम कैसे बाहर चले जाते हैं, देखने के लिए चले जाते हो ना कि कौन आया है, एक बार हम देख लेते हैं, राइट। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 10A अ पाइपर। यस, उसके बाद एक्टिविटी 10B से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आई होप आप सबको ये पोयम समझ में आ गई होगी। उसके बेस्ड पे हमें एक्टिविटी 10B ट्रू और फॉल्स के कुछ स्टेटमेंट दी गई है। लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 10B। नंबर 1, द पाइपर प्लेज अपॉन हिज पाइप एवरी डे। जो पाइपर था, बांसुरी वाला था, वो हर रोज पाइप बजाता था, तो हमें ये स्टोरी में मेंशन नहीं किया गया है। सो हम फर्स्ट स्टेटमेंट में फॉल्स लिखेंगे, राइट। नंबर 2, ओनली मैन एंड वुमेन वेर फैसिनेटेड बाय पाइपर्स म्यूजिक। सिर्फ मैन और वुमेन ही पाइपर के म्यूजिक में लीन हो गए थे, सिर्फ वो ही सुनने आए थे। सो द आंसर इज नो। हर एक यानी कि स्ट्रीट में जो रहता था वो सभी लोग ये म्यूजिक सुन रहे थे, राइट। सो सेकंड स्टेटमेंट में भी फॉल्स आएगा। नंबर 3, इट वॉज द समर व्हेन द पाइपर्स सेट आउट टू प्ले। वो गर्मी के दिन थे जब पाइपर ने अपनी ट्यून सेट की और म्यूजिक बजाने लगा। सो द आंसर इज नो। हमें आगे बताया गया था, लिटल देयर फीट देयर वेयर ब्लू विथ कोल्ड, यानी कि ठंडी की मौसम थी, कोल्ड यानी तो आप सबको पता ही होगा। यस, तो थर्ड स्टेटमेंट भी फॉल्स आएगा। नंबर 4, एवरीवन हु हर्ड द म्यूजिक वाज एक्सट्रीमली डिलाइट। यस, जो सब म्यूजिक सुन रहे थे वो सच में डिलाइटेड था। सो द आंसर इज ट्रू। सो नंबर 4th में हम ट्रू लिखेंगे। नंबर 5, द पाइपर प्लेड ऑन हिज पाइप फॉर द होल डे। क्या पूरा दिन पाइपर अपनी बांसुरी पे म्यूजिक बजा रहा था? सो हमें आगे दिया गया है फॉर हाफ एन आवर इन द स्ट्रीट टूडे, यानी कि आधे घंटे के लिए तो हमें बता रहे हैं। यस, तो वो पूरा दिन बजा रहा था या नहीं बजा रहा था वो इस पोयम में हमको मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हम 5th स्टेटमेंट में भी फॉल्स लिखेंगे। नंबर 6, एंड लास्ट स्टेटमेंट, द पाइपर्स म्यूजिक हैड अ मैजिकल इंपैक्ट ऑन द लिसनर्स। क्या पाइपर का म्यूजिक ऐसा था जो लिसनर्स थे जो ये म्यूजिक सुन रहे
पर मैजिकल इम्पैक्ट यानी कि कोई जादुई असर हो रही थी। सो द आंसर इज यस। जो भी पाइपर का म्यूजिक सुन रहा था वो अपने अपने काम छोड़कर उनका म्यूजिक सुनने आ जाता था और इतना म्यूजिक अच्छा लगता था सबको कि वो वहां पे ही डांस कर रहे होते हैं, राइट। सो नंबर सिक्स में हम ट्रू लिखेंगे। सो हियर इज अवर चैप्टर 11 इंडियन म्यूजिक हैड कम्प्लीट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।